नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म। तो ध्यान दें, एल्किल हैलाइड के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वह इस प्रकार है। पहला NaOH और Ag2O से क्रिया, Ag2O से क्रिया। तो देखिए NaOH तथा Ag2O से क्रिया, देखिए जब एल्किल हैलाइड NaOH से क्रिया करता है, जब एल्किल हैलाइड NaOH से क्रिया करता है तब अल्कोहल बनाता है और सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाता है। जैसे जैसे RX एल्किल हैलाइड है, आपका ये एल्किल हैलाइड है प्लस NaOH, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, क्रिया करेंगे, तो ये इतना पार्ट बाहर चला जाएगा और बनेगा आपका ROH प्लस NaX। तो हमने देखा कि जब एल्किल हैलाइड या हैलोल्केन NaOH के साथ क्रिया किया तब एल्कोहल बना, मतलब उत्पाद एल्कोहल बना और NaX बाहर चला गया। उसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा जो भाग इसमें दिया गया है, ये है आपका Ag2O से क्रिया। देखिए यहाँ पर 2RX प्लस यहाँ पे हम लेंगे H2O। अब जब इसको हम Ag2O से क्रिया कराते हैं तो देखिए उत्पाद हमें बनेगा एल्कोहल, अर्थात 2ROH प्लस AgCl। देखिए यहाँ पे ये दो बार हैं, इसलिए यह अणु दो बार होगा, अर्थात यहाँ पे हम दो से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास क्या मिला, फिर से ध्यान दें, जब हम एल्किल हैलाइड को जल के साथ और Ag2O अर्थात सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तब हमको क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा और सिल्वर क्लोराइड मिलेगा। देखिए दूसरा गुणधर्म हमारा है धातुओं से क्रिया। धातुओं मतलब सोडियम से तथा जिंक से क्रिया। जब हम हैलोएल्केन को अर्थात RX को सोडियम से क्रिया कराते हैं, यहाँ पे सोडियम कर देंगे और अब देखिए यहाँ पे Na की बैलेंस एक हो गई और यहाँ पे RX एक बार है लेकिन इस पे रिएक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पे हम करेंगे 2Na। जब 2Na हमने कर दिया तो ये बन जाएगा हमारा RX, हमें ऐड करना पड़ेगा। अब क्या होगा, हमें अब ये होगा कि यहाँ पे दो था, हमने दो लिखा था, तो Na के साथ X आएगा और एक X यहाँ पे आएगा, तो बन जाएगा आपका RR। इसे हम क्या कहेंगे एल्केन प्लस हमारे पास क्या बचा है 2NaX। इसे हम बुटाजप क्रिया या बुटाजप क्रिया के नाम से जानते हैं, अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका जिंक से क्रिया। तो आप कहेंगे RX को हम किससे क्रिया कराएंगे, जिंक से कराएंगे। देखिए जिंक की बैलेंस ही दो होती है, इसलिए एक बार हम यहाँ पे RX को और लिखेंगे। अब क्या होगा, ये X और ये X आपस में रिएक्ट करेंगे, एक यौगिक बनाएंगे। यौगिक होगा आपका, जो यौगिक बनेगा ZnCX2 बनेगा प्लस यहाँ पे जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो एल्केन बनेगा। तो हमने हैलोएल्केन के कुछ गुणधर्मों को देखा। इसी प्रकार हम देखेंगे एल्कोक्साइड से या धातु एल्कोक्साइड से क्रिया। अब देखिए जब हम हैलोएल्केन को धातु एल्कोक्साइड, जैसे धातु एल्कोक्साइड मतलब होता है यहाँ पर आप ले सकते हैं NaOR, ये क्या है आपका धातु एल्कोक्साइड, ये है आपका। जब आप रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, NaX बाहर चले जाएंगे तो बनेगा क्या आपका R बनेगा और O बचेगा और यहाँ पे R बचेगा प्लस
यक्स, ये इतने हो गए, इतना आपकी समझ में आया होगा। फिर इसी प्रकार अगला जो रिएक्शन है आपका के सी एन तथा के एस एच से क्रिया। के सी एन का नाम है पोटेशियम साइनाइड और के एस एच का नाम है मरकैप्टाइड। तो देखिए जब इससे आप क्रिया कराएंगे तो आपको मिलेगा आर एक्स प्लस के सी एन, तो ये बना लेगा आपका के एक्स, बनेगा के एक्स, और जो मेन प्रोडक्ट है आपका आर सी एन ये बन जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, अगला हमारे पास है के एस एच या मरकैप्टाइड। तो देखिए जब आर एक्स को के एस एच से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, जो मेन उत्पाद बनेगा आर एस एच बनेगा प्लस के एक्स बाहर चला जाएगा। तो हमने ये देखा। अब यहाँ पे देखिए, इतना देखने के बाद यदि आपसे कोई कहे कि आर एक्स क्या है तो आर एक्स को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं CH3Cl अथवा C2H5Br, ये एल्किल हैलाइड्स होते हैं। प्लस मान लीजिए कोई कहा आपसे कि के सी एन से कराइए क्रिया, तो के सी एन लिख दीजिए यहाँ पे, अब बनेगा क्या CH3Cn प्लस बचा क्या यहाँ पर KCl, तो KCl आप कर देंगे। उसी प्रकार देखिए ये आंसर आपका आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे कोई कहे आपसे के एस एच से क्रिया कराओ तो आप करें क्या, बनेगा आपका आंसर में C2H5 और ये के बी आर बाहर चला जाएगा, तो बचेगा आपका C2H5SH प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको KBr। तो हमने कुछ गुणधर्मों को देखा, इसके आगे हम और भी गुणधर्मों पर चर्चा करेंगे। जैसे हमारे पास है यहाँ पे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे तो हमारे पास है धातुओं से तथा एल्किल हैलाइड का अपचयन। तो देखिए इन सब प्रक्रमों को हम कैसे करेंगे, तो आर एक्स प्लस टू हाइड्रोजन, ध्यान देंगे जहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा वहाँ पर अपचयन प्रक्रिया होगी, तो ये अपचयन प्रक्रम है। अब हम यहाँ पे बना लेंगे एल्केन, इसको हम मानेंगे क्या एल्केन प्लस एच एक्स हमारा बाहर चला जाएगा। उसी प्रकार हम देखेंगे जो पहली हेडिंग बनी थी उसको हम समझेंगे धातुओं से क्रिया। तो देखिए ये हमारा क्या है आर एक्स, ये क्या है एल्किल हैलाइड है, अब इसे हम मेटल अर्थात धातु से क्रिया कराएंगे तो धातु हो गए हमारे Mg, तो बन जाएगा ये आपका आर Mg एक्स, ये हमने देखा। साथ ही साथ इसके और गुणधर्म हैं, अब आप देखेंगे यहाँ पे NaSr और वसा अम्ल से क्रिया, NaSr तथा वसा अम्ल से क्रिया वसा अम्ल और NaSr, तो पहले हम NaSr से कराएंगे आर यक्ष प्लस NaSr, तो ये बना लेंगे आर एस एच प्लस एस आर रहेगा, सॉरी, तो यहाँ पे बना लेंगे आर थायो ईथर प्लस में जो बनाएंगे आगे चल के अपना इसका नाम होगा NaX, ये बन गया आपका। उसी क्रम में हम देखेंगे वसा अम्ल आर एक्स प्लस Ag, फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे ये बनाएंगे, और इसको आप संक्षेप में पढ़ सकते हैं
RCOOAG, ऐसे आप कह सकते हैं RX+RCOOAG, ये कर सकते हैं आप। इसको आप रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, बनेगा यहाँ पर RCOR+AgX, AgX बन जाएगा। तो हमने ये देखा, अभी इसी क्रम में अन्य रासायनिक गुणधर्म पड़े हैं, लेकिन जो प्रमुख गुणधर्म था हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।